मम्मी जी, मुझसे ज्यादा आप रणबीर को जानती हैं और आप जानती हैं कि वो कभी किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकते, बल्कि वो तो ऐसे इंसान हैं जो हंसते हंसते दूसरों की तकलीफें अपने ऊपर लेते हैं। अगर उससे ये प्रोजेक्ट लेकर ही शांति मिलती है तो उसे अपनी जिद पूरी कर लेने दीजिए। नहीं सुखी, नहीं, ये प्रोजेक्ट मैं किसी काले चोर को दे सकता हूँ लेकिन ईशान को नहीं। बेटा तुम बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज वेरी नॉर्मल। या तो मिस्टर खन्ना आए। अरे उनको जल्दी अंदर भेजो। हाँ ओके। रणबीर बेटा, इस मुद्दे पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, ओके? लेकिन भौजी। अरे खन्ना साहब, वेलकम 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 सर, वेलकम। अरे अरे अरे, बैठिए 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 बैठिए, खुश रहो। आप बैठो बैठो बैठो। अरे खन्ना साहब, आपने तकलीफ क्यों की भाई? मुझे फोन कर दिया होता मैं आ जाता। अरे तकलीफ किस बात की सर, आपकी याद आई तो हम चले आए। वरना तो आप बिजनेस की मजबूरियां जानते ही हैं। वो तो है। पर विजेंद्र जी, कई बार बच्चे बिजनेस से भी बड़ी मजबूरियां हो जाते हैं। अरे भाई अब हर्ष की बात ले लो, साहबजादे रोज अपनी माँ से पूछ लेते हैं, पापा ने वीरेंद्र अंकल से बात की या नहीं। मुझसे क्या बात? अरे भाई हर्ष और आकांक्षा की शादी की बात, सगाई की बात। वो बात तो सही है खन्ना साहब, आप बच्चे खुद ही अपनी शादी की बात करने लगे। जमाना तो बदल गया है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अब इसमें तो कोई शक की बात नहीं रही सिंह साहब, जमाना पहले से बहुत ज्यादा बदल गया। वो तो है। लीजिए चाय लीजिए, आपको चाय दो। थैंक यू। लीजिए। हाँ तो वीरेंद्र जी, मैं कह रहा था कि अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई पक्की कर ही देते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं खन्ना साहब, क्यों नहीं। अरे शुभ काम में देरी कैसे। देखिए मैं आज ही घर जाता हूँ, सबसे बात करके पंडित जी को बुलाता हूँ, अच्छा सा मुहूर्त निकाल के एंगेजमेंट कर देते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा तो वीरेंद्र जी, अब मुझे इजाजत दीजिए। इजाजत दीजिए? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, कोई इजाजत नहीं है, बैठिए बैठिए, आप एक कप चाय और पिएंगे हम। हाँ। वैसे सच पूछो तो आपके पास आने के बाद मेरा भी जाने का मन नहीं करता, तो अजीब सा लगाव हो गया आपसे। अरे सच पूछो तो खन्ना साहब, मेरा भी यही हाल है। अरे दो कप चाय भेजो भाई। भाई बड़ा मजा आता है आपसे मिलके खन्ना साहब, बहुत ही मजा आता है। करीबोना बाबूजी। जींदा रहे पुत्र। मैं वो वीरू को फोन लगा रहा था तो वो उठा नहीं रहा था, शायद अपने काम में बिजी होगा। बाबूजी वो एक्चुअली खन्ना अंकल आए हुए हैं तो वो उन्हीं के साथ बैठे हुए हैं और शायद फोन उन्होंने साइलेंट पे लगाया हुआ है। खन्ना आया हुआ है जी? वो अक्कू और हर्ष की सगाई के बारे में बात करने आए। ये तो बहुत खुशी की बात है भाई। देख लो वीरू ना आजकल कुछ बताता नहीं है। वो क्या है ना कि भाऊजी आजकल बिजनेस की प्रॉब्लम्स में उलझे हुए रहते हैं, तो इसी वजह से अब। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़े दिनों में सब ठीक हो जाएगा। पुत्र जी सब ठीक तो है ना? हाँ भाऊजी सब ठीक है, बस आप तो जानते ही है ना कि भाऊजी छोटी सी बात की बड़ी टेंशन ले लेते हैं। ओए पुत्र, उसकी ये आज की आदत थोड़ी है, ओए वो तो बचपन से ही ऐसा है। अच्छा घर में सब ठीक ठाक है ना? भाऊजी घर में सब ठीक है, और सिमरन तो आपको बहुत याद करती है। वो तो हम भी उसे, मेरा मतलब आप सबको बहुत याद करते हैं। आप झूठ बोल रहे हैं बाबूजी। मैं क्यों झूठ बोलूंगा पुत्र, हम सच में आप सबको बहुत याद करते हैं। आप सच कह रहे हैं? हाँ पुत्र। तो फिर एक काम कीजिए। क्या? आपको हमारी बहुत याद आ रही है ना? हाँ पुत्र। तो फौरन आप दिल्ली आ जाइए, हमें भी आपकी बहुत याद आ रही है। अब वो तो ठीक है पुत्र, लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, आप बस एक काम कीजिए, आप दिल्ली आ जाइए। वो तो ठीक है पुत्र। आप बस ये बताइए कि आप दिल्ली कब आ रहे हैं। अगर आप आ जाएंगे ना तो
तो सिमरन भी खुश हो जाएगी और साथ ही साथ आपके दोस्त यानी मेरे बाबूजी भी खुश हो जाएंगे। आपको पता है जब भी वो परेशान होते हैं ना तो सिर्फ आपको याद करते हैं। मैं जानता हूं पुत्र, ठीक है, अगर मेरे आने से मेरे यार की परेशानी दूर होती है तो ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। हम सब 2 दिन में आने का प्रोग्राम बनाते हैं। जी बाबूजी, परिपूर्ण बाबूजी। जिंदा रहे पुत्र। तुम्हें 7 साल हो गए इस कंपनी में, लेकिन आज भी क्लर्क के क्लर्क हो। माना कि सैलरी बड़ी है लेकिन पोस्ट नहीं, प्रमोशन लेने के लिए बॉस की नजरों में आना पड़ता है। खैर, अब तो मैं आ गया हूं ना, तुम मेरे खास बन के रहो। रानिया जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ नहीं सर, बस वो रिसेप्शन पर। अरे रिसेप्शन पर तो आप पूरे दिन बैठे रहते हैं, लेकिन कभी इन लोगों से भी बात कर लिया करो। वैसे एक बात कहें, आप पूरे दिन रिसेप्शन में बैठे बैठे बोर नहीं हो जाते? बोर क्या होना है सर, पूरा दिन विजिटर्स और फोन कॉल अटेंड करते करते दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। यू नो, हमारी संगत में रहोगे ना तो वक्त जल्दी कटेगा। क्या मतलब सर? आप इस ऑफिस में नहीं आई हैं, इसलिए नहीं जानती है। आप तो जानती है ना कि रणवीर भैया मेरे बड़े भाई हैं और बड़े साहब मेरे फूफा जी। मैं जानती हूँ। तो फिर भी आपको ये सब कुछ समझाना पड़ेगा, लेकिन शक्ल से आप इतनी ना समझते नहीं लगती है। क्या हुआ, मुझे अचानक फोन करके क्यों बुलाया? मुझे पता था ये होने, इसीलिए मैंने कहा था कि सीधे कोर्ट केस करते हैं, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। लो देख ली तुमने अपने बाबूजी की करतूत, अब तो यकीन हो गया या फिर डैम प्रोजेक्ट के निकलने के बाद ही होगा। तुम तो अपने बाबूजी की बहुत तारीफ कर रहे थे कि मैं अपने बाबूजी के खिलाफ नहीं जाऊंगा, लेकिन मिस्टर सिंह ने तुम्हारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अगर ये डैम प्रोजेक्ट तुम्हें दे देते तो क्या हो जाता? ईशान, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं तुम्हारे बाबूजी के, लेकिन मुझे तो लगता है कि वो चाहते ही नहीं है कि तुम्हारा करियर बने। मुझे तो लगता है कि वो तुम्हें बर्बाद करने में लगे। बर्बाद तो अब उन्हें होना है, अब उन्हें कोर्ट जाने से कोई नहीं बचा सकता। पानी सर से ऊपर चला गया है अब। तानिया, तुम चिंता मत करो, मेरे पास और भी तरीके हैं इस प्रोजेक्ट को हासिल करने। भले ही इसके लिए मिस्टर सिंह को कोई भी कीमत किला चुकानी पड़े।
अच्छा जी, तो भैया के साथ डिनर पे जाने की तैयारियां हो गई? अरे अक्कु, तुम तो जानती हो ना कि आजकल रणबीर कितना परेशान रहते हैं। उन्होंने कहा तो मैं मना ही नहीं कर पाई, सोचा थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। तो अच्छी बात है ना, मैंने कब आपसे सफाइयां मांगी है? बल्कि इनफैक्ट मैं तो खुद चाहती हूँ भाभी कि आप रणबीर के साथ कुछ टाइम अकेले में स्पेंड किया करो। अक्कू, तुम सब कुछ जानती हो फिर भी ऐसी बातें कर रही हो। भाभी, मैं सब कुछ जानती हूँ इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ। मेरा कहने का मतलब वो नहीं था जो आप समझ रही हैं। आप दिन भर अकेले घर में बैठी रहती हैं और सारा दिन बोर होती हैं, और रणबीर तो ऑफिस की टेंशन्स में हमेशा डिस्टर्ब रहता है, इसीलिए तो मैं आपको बाहर आउटिंग पे जाने के लिए कह रही थी। वैसे लग तो अच्छी रही हो। ये तैयार होकर कहाँ जाने का इरादा है? कहीं हमारे साथ बहती गंगा में हाथ धोने का इरादा तो नहीं है? कबाब में हड्डी? अच्छा जी, अब मैं कबाब में हड्डी हो गई तो ठीक है, नहीं बनते कबाब में हड्डी। अरे बाबा, मैं मजाक कर रही थी, तुम तो साथ में चल रही हो ना, अब देखना कितना एंजॉय करेंगे। हेलो मैडम, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं तो अपनी एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में जा रही हूँ। आप दोनों जाइए और अपनी इस बहती गंगा में ना खुद ही डुबकियां लगाइए, मुझे माफ कीजिए। पर जाऊंगी तो तब ना, वो ऑफिस से आए तो। अच्छा, मैं उसे फोन करती हूँ। भाभी आप मुझे अपना फोन दो। हाँ मैं देती हूँ। हाँ सिमरन। हेलो, कहाँ हो तुम अभी तक? अक्कू, मैं ऑफिस में हूँ। तुम अभी तक ऑफिस में हो और यहाँ भाभी तैयार होकर तुम्हारा आने का वेट कर रही है? ओ, 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 मैं तो भूल ही गया था, मैं बस अभी 5 मिनट पहुँच रहा हूँ। 5 मिनट मतलब 5 मिनट? ओके हाँ पापा, 5 मिनट। ओके मेरी बहन, माय स्वीट सिस्टर, संभाल लेना, मैं आता हूँ। या बाय। चल भाभी, वो 5 मिनट में ऑफिस से निकल रहा है, मैं निकलती हूँ वरना मैं बहुत लेट हो जाऊंगी। रुक, इधर आ। बहुत प्यारी लगी, किसी की नजर ना लगे। चलो हैव अ नाइस डिनर। बाय। बच्चे घर पे ना हो तो घर कितना सुना सुना लगता है ना। लेकिन बच्चे गए कहाँ? अक्कू अपने किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी पे गई है और रणबीर सिमरन को लेकर बाहर डिनर पे गया। अच्छा, क्या रणबीर और सिमरन डिनर? अरे वाह, कमाल है भाई, रणबीर और सिमरन एक दूसरे के साथ इतनी जल्दी घुल मिल जाएंगे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सही कह रहे जी आप, ईशान के प्रति सिमरन का इतना प्यार देखकर तो हमेशा यही डर लगा रहता था कि क्या सिमरन कभी रणबीर को अपना पाएगी या नहीं। हाँ, जब सिमरन रणबीर से शादी करने के लिए तैयार हुई तब भी मैं हैरान था कि सिमरन तो ईशान को भगवान की तरह मानती, रणबीर को कैसे अपनाई। ये सब तो माता रानी की कृपा है जी। हाँ सुखी, रणबीर और सिमरन एक दूसरे का कितना ख्याल रखते, देखो ना कितनी परेशानियां हैं, उसमें भी रणबीर सिमरन की छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता है। हाँ जी, सिमरन भी उसका उतना ही ख्याल रखती है। भगवान करे इन दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे और इनका प्यार हमेशा फले फूले। ऐसा ही होगा सुखी, ऐसा ही होगा, क्योंकि ये सारी खुशियां तो उस महामाई की दी हुई है। वरना ईशान ने तो हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था जहां बस बर्बादी ही थी। आप
आप क्यों उसे बार बार कोसते हैं? अरे जो होना था वो हो चुका। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। ये सब तकदीर के खेल हैं। ईशान भी तकदीर के हाथों की कठपुतली है। आप यही सोचकर सब्र कर लीजिए कि सिमरन की किस्मत में रणबीर था, ईशान नहीं। मेरी सिमरन की किस्मत बहुत अच्छी है, जिसकी किस्मत में रणबीर जैसा हीरा था, ईशान जैसा कोयला नहीं, जिसे छूते ही हाथ भी काला हो जाए। लहू का रंग कभी बदलता नहीं है, और आप अपने ही खून में भेदभाव कर रहे हैं। एक से तो इतना प्यार करते हैं और दूसरे से इतनी नफरत, क्या ये सही है? सुखी, ये तेरी ममता है जो ये बोल रही, वरना जो ईशान ने किया है ना, मैं तो क्या, कोई भी बाप उसे माफ नहीं। औलाद को माफ ना करके कोई समस्या का समाधान नहीं है। जब आप और हम जानते हैं कि हमारी औलाद रास्ता भटक गई है, तो उसे हमें सही रास्ता दिखाना चाहिए, ना कि उसे धुतकार कर दूर कर देना चाहिए। अब वो वक्त गया, वो गया। मैंने बड़ी कोशिश की ईशान को सही रास्ते पर लाने, लेकिन अगर उसे भटके हुए रास्ते पे ही अपनी मंजिल दिखाई देती है तो मैं क्या करूं? अब रणबीर और रक्कू भी तो हमारे ही हो ना, वो भटके क्या? वो इसलिए नहीं भटके क्योंकि वो हमेशा आपकी छत्र छाया में रहे हैं, लेकिन हमारा ईशान। मुझे नींद आई, मुझे सोन, ये बात बाद में करें। हेलो, हाय हर्ष, इस वक्त हर्ष तुमने कैसे फोन किया? क्यों, नहीं कर सकता? नहीं बाबा, तुम इतनी रात को फोन करते नहीं हो ना, इसलिए पूछ रहे हो। तो क्या है ना कि डर लगता है तुमसे। अच्छा बताओ, ऑडी से वापस आ गई? हाँ, बस थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, कुछ पढ़ रही थी। तुम तो जानते हो जब से मैंने ज्वाइनिंग की है मेरे बॉस इतने आलसी हो गए हैं कि सारा काम मुझे सौंप कर एकदम निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, जैसे मैं उनकी बॉस हूँ और वो मेरे कलीग। अरे क्योंकि वो जानते हैं कि अक्कू एक जिम्मेदार और इंटेलिजेंट वकील है और केस की रिपोर्ट उनसे बेहतर बना सकती है। वैसे तारीफों के पुल किस खुशी में बांधे जा रहे हैं? इतनी रात को फोन करके बात करने का बहाना ढूंढ रहे हो? हेलो मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने आप ही के काम के लिए आपको फोन किया है। मेरा कौन सा काम? अच्छा छोड़ो, मैंने तुम्हें यह बताने के लिए फोन किया है कि मैंने पता कर लिया कि ईशान भैया किसके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। उसका नाम टोनी है और उसका असली नाम है संजीव खुराना। हेलो अक्कू, हेलो हेलो, हर्ष मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। हैं? तुम यहाँ बैठे हुए हो? खड़ा हो जाऊँ? ओए होए, मैंने तुमको छत पे बगीचे में कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आस्ता आस्ता मम्मी, तू भी आ जा, यहाँ बैठ मेरे साथ खाना खा। ओए होए, लेकिन आप यहाँ छुप कर क्यों खा रहे हो? ओए मम्मी, समझा कर, अपने कमरे में आके चुपचाप बैठ के खाने का मजा ही कुछ और है। जब मैं वहां बैठता हूँ ना बाहर, और जब खाने लगता हूँ तो सबकी नजर मेरी प्लेट पे यूं होती है, भूखे नंगों की तरह।
पता नहीं किसकी नजर लग जाए। खाना भी लगता ही नहीं है। तुम दोनों प्यो पुत्र को खाने के अलावा कोई काम है, है? जैसा प्यो वैसा ही पुत्र, दोनों के दोनों लायक नहीं है। ओ बीजी, ओ कौन लायक नहीं है? लो आ गया, तेरी ही तो कमी थी, एक तेरा प्यू कम था मेरी जान खाने के लिए। ओ ऐसे ना कहो बीजी, आज आपका पुत्र ऐसी खबर लाया कि आपका दिल खुश हो जाएगा। अच्छा पुत्र, जल्दी बताओ वो अच्छी खबर क्या है, वरना आजकल तो अच्छी खबरों का ना अकाल सा पड़ गया है। बीजी आज ना फुफा जी ने ईशान भैया को नोटिस का जवाब भेजा है। और सुना है बहुत सख्त जवाब भेजा है, आप बस ना ताना को बस जल्दी से जल्दी बता दो। कोई फायदा नहीं पुत्र, वहां तो आप तक नोटिस का जवाब भी पहुंच गया होगा, लेकिन शाबाश मेरे पुत्र, तू ना अपनी मां को बस यूं ही खबरें देता रहे, फिर देख अपनी मां का कमाल। हाँ हाँ देखियो बेटा, बहुत कमाल देखा तेरा। तुम मेरा कमाल क्या देख रहे हो, है? ये जो बैठे बैठे कमाल कर रहे हो ना, ये करो, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग हैं ना जो भूख से नहीं खा खा के मारते हैं। मैं पिछले 40 साल से खा रहा हूं, मैं तो नहीं मरा, मगर तू जरूर मारेगी। Excuse me. I had booked a table here. Hey, sir, your good name? Ranveer ji. Sir, please just a moment. Yeah, sure. पता है, यहाँ का एम्बियंस मुझे बहुत अच्छा लगता है। ईशान भैया, प्लेजेंट सरप्राइज। क्यों भाई, मुझे यहाँ आने के लिए बाबूजी की परमिशन लेनी पड़ेगी।